दोस्तों यूपीआई के बारे में तो लगभग हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि हम मात्र अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के साथ पैसों का लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों इसका उपयोग हम स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फोन में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि टेक्निकली यूपीआई काम कैसे करता है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर डालने से लेकर सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल में पैसे डिलीवर होने के बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों चलिए समझते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। दोस्तों यूपीआई कैसे काम करता है यह समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एक यूपीआई ट्रांजैक्शन को कितने पॉइंट्स से होकर गुजरना पड़ता है और प्रत्येक पॉइंट्स को टेक्निकली भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों जो पैसा भेजता है उसके मोबाइल को हम सेंडर कहते हैं, तथा उसकी बैंक को हम सेंडर बैंक कहते हैं, तथा जो पैसा रिसीव करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं, तथा उसकी बैंक को रिसीवर बैंक कहा जाता है। दोस्तों यूजर्स जिस यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं उसको हम पीएसपी यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जैसे कि भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि। और यूपीआई के द्वारा किए गए सभी पेमेंट्स को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करती है, जो कि भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। दोस्तों अब जैसे ही सेंडर पैसा भेजने के लिए रिसीवर का बीपीए एड्रेस या मोबाइल नंबर डालता है और उसके बाद जैसे ही वह वेरीफाई पर क्लिक करता है तो वह बीपीए एड्रेस इंक्रिप्टेड फॉर्म में पीएसपी के सर्वर पर पहुंच जाता है और पीएसपी उस रिक्वेस्ट को आगे एनपीसीआई को भेज देता है। अब एनपीसीआई उसका बीपीए सफिक्स को चेक करता है, जिससे कि उसे यह पता चलता है यह बीपीए एड्रेस किस पीएसपी का है, क्योंकि हर पीएसपी एप्लीकेशन का सफेक्स यूनिक यानी कि अलग होता है। जैसे कि भीम यूपीआई का सफेक्स @UPI तथा पेटीएम का सफेक्स @Paytm तथा फोन पे का @YBL तथा गूगल पे का @OKSBI होता है। दोस्तों मैंने जिस बीपीए एड्रेस का उपयोग किया है उसका सफेक्स @UPI है, जिससे कि एनपीसीआई को यह पता चल जाएगा कि जिस रिसीवर को पैसे भेजने हैं उसका पीएसपी भीम एप्लीकेशन है। तो एनपीसीआई इस रिक्वेस्ट को आगे भीम यूपीआई के सर्वर को भेज देगी। हालांकि भीम यूपीआई को भी एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया है और एनपीसीआई ही इसको मैनेज करती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि यह एक अलग पीएसपी है। तो अब जैसे ही यह रिक्वेस्ट भीम यूपीआई के सर्वर पर पहुंचती है तो भीम यूपीआई एक बार इसे फिर चेक करता है कि यह बीपीए उसने किस यूजर को अलॉट किया है। अब भीम यूपीआई उस यूजर की बैंकिंग डिटेल्स को एनपीसीआई के पास भेज देता है, जिसमें उस यूजर का नाम तथा यूजर के पिता का नाम, यूजर की बैंक कौन सी है तथा यूजर का अकाउंट नंबर क्या है जैसी जानकारियां इसमें शामिल होती हैं। अब एनपीसीआई उसमें से यूजर का नाम तथा उसके पिता का नाम सेंडर पीएसपी के पास भेज देता है, तथा सेंडर पीएसपी यह नाम सेंडर के मोबाइल पर दिखा देता है, जिससे कि यूजर को यह कंफर्म हो जाता है वह जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहा है वह उसी के बैंक अकाउंट में जाएंगे। अब सेंडर को जो भी अमाउंट भेजना होता है वह उस अमाउंट को एंटर करके अपना यूपीआई पिन एंटर करते हुए सबमिट करता है। यह रिक्वेस्ट सेंडर पीएसपी के सर्वर पर पहुंचती है, वह इस रिक्वेस्ट को एनपीसीआई के पास भेज देता है, जिसमें कि उस यूजर की सभी बैंकिंग डिटेल्स होती हैं। अब एनपीसीआई इसमें से यह देखता है कि सेंडर की बैंक कौन सी है और यह रिक्वेस्ट आगे उस बैंक को भेज देता है। जब यह रिक्वेस्ट सेंडर बैंक के पास पहुंचती है तो सेंडर बैंक उसमें से यूजर डिटेल्स और यूपीआई पिन को वेरीफाई करता है, और यदि सब सही होता है तो बैंक उसके अकाउंट से वह अमाउंट डेबिट करके एनपीसीआई के पास भेज देता है। और ठीक उसी समय बैंक अपने कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को भेज देता है, तथा एनपीसीआई उस अमाउंट को रिसीवर के पीएसपी द्वारा दी गई बैंकिंग डिटेल्स के साथ रिसीवर बैंक के पास भेज देता है, और रिसीवर बैंक उस डिटेल्स को अपने डेटाबेस में वेरीफाई करके कस्टमर के अकाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट कर देती है, और रिसीवर बैंक भी अपने कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को भेज देता है, तथा इसके साथ साथ एक कंफर्मेशन मैसेज को एनपीसीआई के पास भेज देता है। अब एनपीसीआई यह कंफर्मेशन मैसेज सेंडर पीएसपी तथा रिसीवर पीएसपी के पास भेज देता है। अब सेंडर पीएसपी तथा रिसीवर पीएसपी अपने अपने यूजर के मोबाइल में यह कंफर्मेशन मैसेज शो कर देते हैं, जिससे कि दोनों यूजर्स को यह पता चल जाता है ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि यूपीआई आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।